हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, उस देश में दुनिया के सबसे पुराने पानी के कुएं मौजूद हैं। दोस्तों, ये देश आइलैंड है, लेकिन यहाँ के लोग मछलियों को पसंद नहीं करते। इस देश को भगवानों का प्लेग्राउंड भी कहा जाता है, लेकिन क्यों वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, इस देश के कई लोग इसे समुद्र का गहना भी मानते हैं, क्योंकि ये देश है ही इतना खूबसूरत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां मैं आपको साइप्रस देश लिए जा रहा हूं। आप बस इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर बार की तरह आज भी आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, साइप्रस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर आइलैंड है। साइप्रस द्वीप को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी भाग को उत्तरी साइप्रस के तुर्की गणराज्य के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को साइप्रस के स्वतंत्र गणराज्य के नाम से जानते हैं। अगर इस देश की जनसंख्या की बात करें, तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली की किसी बड़ी कॉलोनी से भी कम जनसंख्या है यहाँ। जी हाँ दोस्तों, इस देश की जनसंख्या है महज 12 लाख। दोस्तों, इस देश के लोगों का मानना है कि जितनी कम आबादी उतना सुखी आपका देश। ये स्टेटमेंट आपको साइप्रस देश की अलग अलग दीवारों पर भी लिखी हुई मिल जाएगी। लगता है यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा डर जनसंख्या से ही लगता है। वैसे दोस्तों, जब 12 लाख देश की कुल जनसंख्या है, तो ये इतने चिंतित हैं। ऐसे में यहाँ के लोग भारत और चीन के बारे में क्या सोचते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको जानकर हैरानी भी होगी और हंसी भी आ सकती है, क्योंकि साइप्रस के लोग मछलियों को खाना पसंद नहीं करते। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, वही इस देश में भी हो रहा है। इतना बड़ा आइलैंड, लेकिन इस देश के लोगों के बीच मछली खाने की प्रथा न के बराबर है। दोस्तों, इस देश के लोग बेशक मछली खाते न हो, लेकिन यहाँ के लोग मछलियों को बेचकर पैसा कमाना खूब जानते हैं। साइप्रस देश के लोग यूरोप के बाकी देशों में बड़े लेवल पे मछलियों का एक्सपोर्ट करते हैं। साइप्रस देश छोटा जरूर है, लेकिन यह देश ऐतिहासिक है। इस देश में पानी के कई कुएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे पुराने कुओं में हैं। कई तो इतने पुराने भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान खुद यहाँ पानी पीने के लिए आते थे। साइप्रस में साइप्रियट ऑर्थोडॉक्स चर्च नाम का एक बड़ा सा चर्च है, लेकिन दोस्तों, यही साइप्रस का सबसे बड़ा बैंक भी है। जी हाँ, चर्च के साथ साथ यहीं से इस देश के 80% लोगों के पैसों का लेन देन का काम होता है। कहा जाता है कि सोशल और पॉलिटिकल चीजों पे इस देश में इस चर्च की ही सबसे ज्यादा पकड़ है। साइप्रस के 10 बड़े चर्चों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि पुराने जमाने के ज्यादातर मशहूर आर्किटेक्ट्स इसी देश के रहने वाले थे। तभी तो दोस्तों, इस छोटे से देश में भी कई ऐसी इमारतें हैं, जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा साइप्रस देश में, जब भी आपको जाने का मौका मिले, कि यहाँ के लोग कभी भी आपको चेंज वापस नहीं करते। जी हाँ, सपोज आप किसी टैक्सी से कहीं जाते हैं, बिल आया 240 रुपए का, आपने ड्राइवर को दिए 250 रुपए, तो वो 10 रुपए आपको वापस नहीं करने वाला। यहाँ के लोगों का मानना है कि बिल के ऊपर जो भी पेमेंट कस्टमर देता है, उसे टिप समझ के रख लेना चाहिए। इसलिए या तो जितना बिल आया उतना दीजिए, वरना उम्मीद मत कीजिए कि यहाँ के शॉपकीपर्स से लेकर ड्राइवर्स तक कोई भी आपका पैसा वापस करेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइप्रस देश के लोग समुद्र किनारे रहते हैं, लेकिन इनको मछली खाना पसंद नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि यहाँ के लोग खाते क्या हैं? बता दें कि यहाँ के लोगों के बीच में पेग यानी कि सुअर का मांस और ब्रेड बहुत पॉपुलर है। वैसे भी यहाँ का ब्रेड हम लोगों से थोड़ा अलग होता है। साइप्रस के लोग ब्रेड में भी मीट मिला देते हैं, और ये गमी होता है। साइप्रस के लोग मेहनती बहुत होते हैं, और इसी का नतीजा है कि इतना छोटा सा देश होने के बाद भी यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो कि बाकी के देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। मछलियों के साथ साथ यहाँ के लोग फल और सब्जियों के भी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। निकोसिया साइप्रस की राजधानी शहर है, और साथ ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी। ये देश का व्यापार केंद्र भी है। दोस्तों, साइप्रस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने इंग्लिश रॉयल वेडिंग अपने देश से बाहर ऑर्गेनाइज करवाई। May 1191 में ये शादी किंग रिचर्ड और क्वीन जोआना के बीच हुआ था। कहा जाता है कि उस जमाने में जब इन दोनों की शादी हुई थी, तो पूरे साइप्रस को सजा दिया गया था। भाई, सजाएंगे क्यों नहीं, रॉयल फैमिली को तो बहाना चाहिए होता है पैसे खर्च करने के लिए। दोस्तों, कई सालों तक साइप्रस हमारे देश की तरह ब्रिटेन का गुलाम रहा। अंत में जाकर 16 अगस्त 1960 को इस देश को आजादी मिले। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस देश के लोग इंडिपेंडेंस डे 16 अगस्त को नहीं मनाते, बल्कि इसकी जगह 1 अक्टूबर को अपने देश की आजादी मनाते हैं। ऐसा क्यों, ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, साइप्रस देश के लोगों के बीच में पशुपालन की एक बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ आपको लगभग हर घर के आगे कोई ना कोई जानवर मिल ही जाएगा। इस देश में गाय के साथ साथ घोड़े और बिल्लियों को भी खूब पाला जाता है। बिल्ली से याद आया कि यहाँ के लोग बिल्लियों को इतना क्यों पालते हैं। जब आप इस बात को सुनेंगे, तो आपको हंसी आ जाएगी। दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं, जहाँ आपको इंसानों से ज्यादा बिल्लियां नजर आती हैं। लेकिन क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सांपों की संख्या बहुत ज्यादा है, और बिल्ली चूंकि सांप को मार देती है, इसलिए यहाँ पर बिल्लियों को बड़े प्यार से पाला जाता है। दोस्तों, एक बार इस देश का एक आइलैंड, जो कि अपने जहरीले सांपों के लिए बड़ा खतरनाक था,
वहां पर बिल्लियों से भरी एक पूरी शिप भेज दी गई। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि तकरीबन 3000 बिल्लियों को एक आइलैंड पे छोड़ दिया गया। सांप तो चले गए, लेकिन आज इस आइलैंड पे इंसान कम और बिल्लियां ज्यादा रहती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा ही कुछ नजारा जापान के एक आइलैंड में भी देखने को मिलता है, जहां बिल्लियां इंसानों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हैं। साइप्रस के दक्षिणी तट पर स्थित आया नापा एक बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध रिजॉर्ट है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को समुद्र तटों के शानदार नजारों का लुत्फ उठाने का मौका देता है। साइप्रस देश में आपको बहुत सारे ऐसे कैफे मिल जाएंगे जहां सिर्फ मेल्स ही अलाउड हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये लोग कैफेज के अंदर बिल्कुल बिंदास होकर जैसे मर्जी बैठते हैं, जैसे मर्जी बिहेव करते हैं, और इसे ये कैफे वाले मेन टाइम के नाम से मार्केट करते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफिस से लेकर घर तक इन्हें लड़कियों के साथ ही रहना पड़ता है। ऐसे में मेन टाइम का कॉन्सेप्ट इस देश में बहुत बड़ा हिट है। आपको क्या लगता है, अपने देश में भी क्या मेन टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, साइप्रस के लोग बेशक मछलियों को खाना पसंद न करते हों, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के लोग खाना बहुत चाव से खाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हफ्ते में 2 बार तो साइप्रस वाले फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना खाने के लिए जरूर जाते हैं। यहाँ के लोग नॉर्मली फ्राइडेज और सैटरडेज को रात में बाहर से ही खाना मंगाते हैं। वैसे ये छोटे से देश में अच्छी बात है, क्योंकि रेस्टोरेंट वालों का भी काम बढ़िया चलता होगा और साथ में घर के लोगों की आउटिंग भी हो जाती होगी। दोस्तों, जब आप इस देश का नक्शा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो किसी सिगार पाइप की तरह दिख रहा है। ये देखिए कैसे इस देश का नक्शा एक बड़े से सिगार की तरह दिख रहा है। दोस्तों, क्या आप वाइन पीने के शौकीन हैं? अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि कॉमेंडेरिया दुनिया का कितना फेमस वाइन ब्रांड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद ही आप में से किसी को ये बात पता होगी कि ये ब्रांड साइप्रस का है। दुनिया का सबसे पुराना वाइन इसी देश से बाकी की दुनिया में एक्सपोर्ट होता आया है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना वाइन है। भले ही साइप्रस देश की जनसंख्या महज 12 लाख है, लेकिन हर साल यहाँ 55 से 60 लाख लोग दूसरे देशों से घूमने के लिए आते हैं, इसलिए टूरिज्म यहाँ एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ जो टूरिज्म गाइड का काम करते हैं वो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। एक तो उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से पैसे मिलते हैं, ऊपर से यहाँ की गवर्नमेंट भी दोस्तों टूर गाइड्स को परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसे देती है। साइप्रस के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। इनका मानना है कि अगर आप अपनी जिंदगी में 100 लोगों को खुशी नहीं दे पाए तो आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। दोस्तों, तभी तो साइप्रस के लोग सबसे ज्यादा ईमानदार माने जाते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ के लोग आपको कभी भी एक्स्ट्रा दिए गए पैसे नहीं लौटाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता बेईमान नहीं होती। साइप्रस देश में आपको कई ऐसे पेड़ मिल जाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग इन पेड़ों को विश ट्रीज कहते हैं। दोस्तों, इनका मानना है कि जो भी यहाँ आते हैं और अपने मन की बात इस पेड़ को बोल के जाते हैं, उन सबके विशेष पूरी हो जाती हैं। ऐसे ये बातें और इस तरह की मान्यताएं तो हमारे देश में भी हैं। हम भी तो कई पेड़ों के पास ऐसे जाते हैं और अपनी मन की बात बताते हैं। वैसे आजकल मन की बात से तो खैर मोदी जी की ही याद आ जाती है कि नहीं? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि साइप्रस देश का एक शहर जिसका नाम है पाफोस, उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा शहर ही हेरिटेज है। ये वाकई में हिस्टोरिकल है और साथ ही बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, साइप्रस को ग्रीस की ही तरह सनशाइन कंट्री भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ साल में महज 40 से 44 दिन ही बारिश होती है, बाकी के दिनों में यहाँ अच्छी खासी धूप निकलती है। आपको बता दें कि साइप्रस के लिटरेसी रेट 100% है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और बचपन से यहाँ के लोग अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। साइप्रस में बहुत से उल्लेखनीय यूनानी साइप्रस कलाकार हैं, और आप यहाँ के सभी शहरों में आर्ट गैलरीज पा सकते हैं। चटस्टा संगीत कविता का एक रूप है, जिसे पारंपरिक उत्सवों और समारोहों में गाया जाता है। यहाँ का संगीत ग्रीक, टर्किश और अरबी संगीत से प्रभावित है। यहाँ खाने में डिजर्ट्स, सी फूड और मछली के व्यंजन काफी पसंद किए जाते हैं। साइप्रस में घूमने के स्थान हैं टेड्रोस पर्वत, इसके वन, समुद्र तट और अन्य प्राकृतिक समृद्ध पर्यटन क्षेत्र। अब फैशन, आभूषण और सौंदर्य उत्पादों के लिए लेफ्कोसिया और लार्नाका शहरों में जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अगली बार छुट्टी पर साइप्रस जाते हैं तो कोरल बे को विजिट करने वाली जगहों की सूची में शामिल करना ना भूलें। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का पानी बिल्कुल नीला होता है, और साथ में इतना साफ भी कि आपको समुद्र में वैसी ही मछलियां तैरते हुए नजर आ जाएंगे। इस जगह पे अक्सर टूरिस्ट आते हैं और रिलैक्स करते हैं। यहाँ का स्पेशल मसाज जिसे कि बे कहते हैं, वो यहाँ बहुत पॉपुलर है। वैसे दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि साइप्रस देश के लोग भी बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं। यहाँ के लोग औसतन 80 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स बिल्कुल फ्री हैं। सरकार आपकी सैलरी में से ही कुछ पैसा काट लेती है, जिसके बाद यहाँ सब कुछ फ्री हो जाता है। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा ग्रीक और तुर्की भाषा बोली जाती है। वैसे इंग्लिश भी कॉमन है, लेकिन ग्रीक बोलने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, वैसे यहाँ पर आपको अपने देश के लोग भी खूब मिलेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि भारतीय मूल के लोग इस देश में कई तरह के बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं।
इतना ही नहीं दोस्तों, रेस्टोरेंट्स के काम में आपको यहाँ 20-30% बिजनेसमैन इंडियन ही मिलेंगे। साइप्रस की करेंसी यूरो है और यहाँ का 1 यूरो लगभग 85 भारतीय रुपए के बराबर है, मतलब हमारे लिए तो काफी महंगा है ये देश। दोस्तों ये था साइप्रस, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।